फ्रेंड्स, आज हमारे पास 3 HP की 3 फेस मोटर है और इसका जो कनेक्शन है डेल्टा में है, 3 फेस में। तो इसको जो कनेक्शन है वो मैंने आपको इसमें बताया है, डायग्राम भी मैंने आपको थोड़ा समझाने की कोशिश की है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, अगर आप भी डेल्टा में 3 फेस के कनेक्शन करना चाहते हैं चक्के के मोटर के, तो आसानी से कर पाएंगे, कोई भी दिक्कत आपको इसमें नहीं आएगी। तो यहाँ पर आप मैंने आपको सारा दिखाया है, और उसके बाद भी अगर आपका कोई सवाल रहता है तो आप हमें कमेंट करें। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं वीडियो। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास 3 फेस की मोटर है जिसको हम सिंगल फेस से चला रहे थे, तो ये मोटर अभी चल नहीं रही है। हमने इसको चेक किया है लेकिन चल नहीं रही है, तो हम क्या करेंगे, इसको खोलेंगे और देखेंगे इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ से हम बोल्ट खोल लेंगे, आगे पीछे से दोनों तरफ से खोल लें, और इसमें क्लिच प्लेट नहीं है। देखो आप यहाँ पर देखें, कोई क्लिच वगैरह इसमें नहीं है, और आप यहाँ देख सकते हैं अभी हमने इसको खोल लिया है। और यहाँ पर जब हमने इसको खोला है तो देखा इसकी वाइंडिंग होगी, वाइंडिंग हमने इसकी कर दी है। अब बारी आती है कनेक्शन की। तो फ्रेंड्स, अगर मैं कंप्लीट वीडियो बनाता काफ़ी लंबा हो जाता, अगर आप कहेंगे तो मैं इसका वाइंडिंग डेटा गेज आपको दे दूँगा। आप यहाँ देखें, इस तरीके से आपको इसमें ज्वाइंट करना है, सब में स्लीव लगा लेनी है सारों में, और 1 से 4 कनेक्शन इसका होगा। यहाँ पर आप देखें, जैसे यहाँ पर हो गया तो इससे आगे 4 पे ये बाहर वाली तार का होगा, लास्ट वाली का, इस तरीके से ये देखें। और फिर यहाँ पर एक तीसरा जोड़ लग जाएगा, आप यहाँ देख सकते हैं। वायरों का ध्यान रखें कौन सा वायर कहाँ पर है, अगर चेन वाइंडिंग होती है तो दिक्कत नहीं आती, लेकिन चेन वाइंडिंग नहीं होती तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं इस तरीके से इसके ज्वाइंट लगाने हैं, ज्वाइंट जब लग जाएंगे तो हम इस पर स्लीव चढ़ा देंगे, और उसके बाद इसमें सिर्फ और सिर्फ 6 तार बचेंगे जिनको हम डेल्टा में कनेक्शन कर देंगे। तो आप यहाँ देखें, अभी हम 1 से 4 इसमें लगा रहे हैं, ये देखें, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम इसको, 1 2 3 4, ये इस तरीके से। तो यहाँ पर 3 जॉइंट अंदर लगेंगे और 3 एक साइड लगेंगे, 3 एक साइड लगेंगे, टोटल ये जोड़ इसमें लगेंगे। उसके बाद जो तार बची हैं 6 उनमें फेस जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं हम यहाँ पर स्लिप चढ़ा लेंगे इसमें, और 1 से 4 हमें कनेक्शन करना है। लेकिन ध्यान ये रखना है, जैसे हमने यहाँ पर 4 किए हैं, तो अब इसका जो ये लास्ट जो सिरा आ रहा है, तो इसका इधर वाला सिरा, इसको अगले से मिलाना है आपको, और 1 से 4 में मिलाना है। तो यहाँ पर टोटल 3, 6 और 3, 9 जॉइंट लगेंगे। उसके बाद 6 वायर बचेंगे इसमें से, और 6 वायर जो उन पास पास के हैं उनको आप मेन कर दीजिए, 3 कर दीजिए, या फिर आप इनमें लंबा वायर निकाल कर स्टार डेल्टा कनेक्शन कर सकते हैं, लेकिन इसमें रिक्वायर नहीं है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर इस तरीके से इसमें कनेक्शन हो जाएगा, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप यूट्यूब पर या फिर गूगल पर सर्च करेंगे मोटर वाइंडिंग डेटा और कनेक्शन या डायग्राम, इस तरीके से सर्च करेंगे तो आपको इसके कनेक्शन इजीली मिल जाएंगे। तो वहाँ से देख के भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैंने काफ़ी हद तक इसको समझा दिया है 1 से 4 में। लेकिन ये ध्यान रखें कोई कॉइल आपस में ना ज्वाइंट हो जाए, कई बार ऐसा होता है कि तार भूल जाते हैं तो उस कॉइल में करंट नहीं जाता है। तो यहाँ पर आप देखें इस तरीके से हमको ये इस पर स्लिप चढ़ानी है, और इस तरीके से हम इसको लगा देंगे, और इसमें जो 6 तार बचे हैं आप यहाँ देखें, 6 वायर बचे हैं ये, तो इनके पास पास वालों को हम 1 कर लेंगे, बचे हुए को 2 1 कर लेंगे, फिर बचे हुए उनको 2 1 कर लेंगे। इस तरीके से 3 फेस कनेक्शन इसमें हो जाएगा, आप यहाँ देख सकते हैं इस तरीके से। और यहाँ पर आप देखें ये वाला जो सिरा है, ये आप यहाँ देखें, इसको यहाँ पर निकाल कर, ये देखें अभी मैं आपको निकाल कर दिखाऊँगा इसको, और यहाँ पर ये 1 वायर बचा है, तो इसको हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से इसका कनेक्शन होता है, आप यहाँ देख सकते हैं, कोई भी दिक्कत हमें इसमें नहीं आने वाली है। तो आप यहाँ देखें इस तरीके से आप इसको वाइंडिंग कर दें। अगर हम इसको चेन वाइंडिंग कर दें तो बहुत ही आसान था कनेक्शन करना, लेकिन अब थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो आप इस तरीके से इसको वाइंडिंग कर सकते हैं, और इसका गेज भी काफ़ी बारीक है, और इस तरीके से आप इसको कर पाएंगे, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी।
फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई देंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान रखें 1 से 4 में, और कोयल वो कोई भी कोयल आपस में ना ज्वाइंट हो जाए, तो इस तरीके से आप सावधानी से इसको वाइंडिंग कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत हमें इसमें नहीं आने वाली है। तो फ्रेंड्स आपने देखा मैंने आपको इस मोटर के कनेक्शन बताए, अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप हमें बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। इसी तरह की नॉलेज वाली वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ, मिलेगी आपसे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।